यही कोई 2019 का महीना था जब पहली बार हम एक्सीडेंटली लद्दाख चले गए थे, क्योंकि उस वक्त हम दिल्ली में थे और दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हमने सोचा था बस कि एक ठंडी जगह से घूम के आते हैं, तो पास में मनाली था, सो वी वेंट टू मनाली। और वहाँ जाके एक्सीडेंटली वी प्लान फॉर लद्दाख और हम लद्दाख गए। और लद्दाख का जो पहली बार का एक्सपीरियंस था, इट वॉज़ लाइक कि क्लासमेट के नोटबुक के ऊपर जो वॉलपेपर्स हम देखते थे, हम उनको लाइव देख रहे थे, एंड वो एकदम दिमाग में छप गया। चारों तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे और हमें लग रहा था जैसे कि हम एक अलग प्लैनेट पे आ गए। तो ऑलमोस्ट 3 साल होने को थे फ्रॉम दिस ईयर, और कब तक हम यादों के सहारे जीते। मेमोरीज इतनी ज़्यादा याद आने लगी थी कि अब सपने में भी बस लद्दाख ही आता था। टाइम पे आ रहा था ना, मैंने सोचा था कि एक जगह पे रुकेंगे जहाँ पे मुझको है यार। मार्केट आपको पीछे में दिख पा रहा होगा, इतना प्यारा लग रहा है। मज़ा नहीं आया ना इंट्रो में, इसको दोबारा करते हैं। क्या हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बिहार जाएंगे और क्या हुआ, अब लद्दाख आने के लिए सबसे ज्यादा पहले लद्दाख जाए तो
तो ये जो बात अभी आपने सुनी इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, और अभी वीडियो में हम आपको आगे वही बताएंगे, तो आप देखते रहें आगे। तो ये वही भाई साहब हैं जिनकी वजह से जो हम 12 अगस्त को जाने वाले थे, हम 11 को ही निकल गए, और वहाँ क्या हुआ आप देख रहे हैं। तो अभी कहानी में आगे एक ट्विस्ट है, तो जब वो आएगा तो उसका जो जिम्मेवार, जो पूरा श्रेय जाएगा वो इन्हीं को जाएगा। अब आप देखें स्टोरी आगे। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात, यूजुअली हम हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, तो यहाँ से हम सबसे पहले जाते हैं दिल्ली, फिर दिल्ली से आगे। तो दिल्ली से आगे जो हम मनाली पहुँचे, तो मनाली पहुँचने के बाद यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको हम यूँ ऐसे बैठ के आपके सामने नहीं सुनाएंगे, इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे। रात के करीब 3 बजे थे। वी वर स्टार्विंग फॉर फूड क्योंकि हमने 12 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। द प्लान वाज कि हम जिस होटल में रुकेंगे वहां के इन रूम डाइनिंग से कुछ ऑर्डर कर लेंगे एंड विल स्लीप। पर हम जिस होटल में रुके थे वहां का इन रूम डाइनिंग का टाइमिंग सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक था। सो वी वेंट आउट कि चलो कुछ बाहर से ही पार्सल करवा लें। बट देन वी रियलाइज आफ्टर सर्चिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स कि अभी इस टाइम पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इवन अगर हम चिप्स और कोल्ड ड्रिंक भी लेना चाहते तो उसके लिए भी दुकानें नहीं खुली थी। देन वी थॉट कि रात में ऐसी दो ही जगह हैं जहाँ पे हमें खाना मिल सकता है, एक तो बस स्टेशन, दूसरा रेलवे स्टेशन। अब मनाली में रेलवे स्टेशन तो है नहीं, सो वी वेंट टू बस स्टेशन एंड जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि अगर आज मैं नॉनवेज खा रहा होता तो मेरे पास में आज ऑप्शन होता, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ऑमलेट मिल रहा था। तो हमने यहाँ भी अपना उम्मीद छोड़ दी। अब हम होटल आ गए थे आफ्टर लूजिंग ऑल होप। अब मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना एक बार गूगल सर्च कर लें कि कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट जो 24 आवर्स खुला रहता हो मनाली में। रेस्टोरेंट का तो पता नहीं, बट आई गॉट समथिंग विच वॉज ओपन एट दैट टाइम कॉल्ड जॉनीज पिज्जा। देखिए, ब्रेड खा के सोने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, पर अभी मैं सर्च कर रहा था तो ट्रिप एडवाइजर पे मुझे एक जॉनी पिज्जा करके मिला है, वो खुला रहता है 24 आवर्स मनाली। जो नंबर उन्होंने वहाँ मेंशन किया था, आई कॉल्ड ऑन दैट एंड उधर से एक आवाज आई, सेंड योर ऑर्डर डिटेल्स एंड लोकेशन ऑन व्हाट्सएप, वी आर सेंडिंग द मेन्यू। अब क्या था, मुझे जो लेना था मैंने वो आइटम चुना, उनको सेंड किया, उसके बाद में उन्होंने एक स्कैनर भेजा। अब तो लगा था कि सब कुछ सॉल्व्ड है, पर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। आफ्टर टेकिंग द ऑर्डर उसने जो QR स्कैनर भेजा पेमेंट के लिए, उसमें एक अजीब सा नाम था, व्हाट वी यूजुअली डोंट सी इन इंडिया, और पेटीएम पे ऐसा लिखा आ रहा था। सो आई थॉट फॉर अ सेकेंड कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे भी चले जाएं और खाना भी ना मिले। फिर मैंने पेमेंट किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब जो DP है व्हाट्सएप की वो गायब हो जाएगी और कहानी फिनिश, फिर मैं सो जाऊंगा। अभी मैंने वहाँ से ऑर्डर किया है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ फेक टाइप का है। पेमेंट तो मैंने कर दिया पर मुझे लग नहीं रहा कि मेरा ऑर्डर आएगा। अब इस चक्कर में ना मैं सो पा रहा हूँ। पर देन आई रिसीव्ड कंफर्मेशन आफ्टर जस्ट 19 मिनट्स, ही सेंड मी दिस वॉइस नोट। नमस्ते जी, यू बेट मी बाय 1 मिनट, योर ऑर्डर इज नाउ कुक्ड एंड आउट फॉर डिलीवरी। आई एम कमिंग टू मोर रोड नाउ, इट विल बी लेस देन अबाउट 5 मिनट्स, थैंक यू। वो ना बहुत मतलब उसका जो रिप्लाई आता है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जो बंदा ऑर्डर ले रहा है, एकदम रोबोटिक सा साउंड है, और वो एक टाइम पे हाँफते हुए चल भी रहा, तो मुझे लग रहा है रियल भी है, फिर लग रहा है फेक भी है, पता नहीं यार। अब जो आवाज़ में चलने के बाद जैसे आपकी सांस फूलती है वो साउंड आता, ये सुन के लगा कि नहीं रियल में कोई है, अब आ जाएगा। नमस्ते जी, आई एम ही नाउ आउटसाइड फ्रंटियर, कुड यू प्लीज कम मीट मी, थैंक यू। देखिए, मेरे पिज्जा वाले से बात हो रही है, तो आवाज़ तो अभी तक रोबोटिक है, पर उसके हिसाब से वो लोकेशन में पहुँच चुका है, मैं गलत लोकेशन पर। नहीं, ये गलत नहीं है, क्योंकि उसने फ्रंटियर रेस्टोरेंट करके कुछ नाम है वो कहा था, मैंने हाँ बोल दिया था फटाफट में, तो वो वहाँ पर पहुँच गया था। पर अभी जो मैंने एक्चुअल होटल उसका लोकेशन भेजा, तो उसने बोला कि वो यहाँ पे आ रहा है, मैं बाहर गेट पर, तो आई एम वेटिंग आउटसाइड, अभी यहाँ ताला लगा तो मैं बाहर नहीं जा सकता। अब मैंने लोकेशन भी मिस्टेक से गलत बता दिया था, पर फिर आई करेक्टेड दैट एंड आफ्टर 2 to 3 मिनट्स ही वाज एट माय लोकेशन। No one wants to do this job. I'm the owner, the chef, and the delivery boy. So I stay awake all night and deliver to everyone in Manali. हम काफी आगे आ चुके हैं, और हमारे साथ जो एक भैया हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो चुका है, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है उनकी। तो अभी थोड़ा सा कर रहे हैं रेस्ट, इसको करने के बाद में फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। अब इस दिन हमें एक बात समझ आई कि ज़िंदगी में एक बात तो तय है, तय कुछ भी नहीं।
हमें क्या पता था कि जितने एक्साइटमेंट के साथ हम लद्दाख के लिए बढ़ रहे थे उतनी ही इमरजेंसी में हमें वापस आना पड़ेगा। यस वी डिंट मेक इट टू लद्दाख। हमारे एक दोस्त को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण काफ़ी परेशानी होने लगी। पहले पहले तो लगा कि वी जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक, बट देन वी रियलाइज कि वी हैव टू गो बैक। पर एक बात कही गई है कि क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। यही कह के दिल को समझा लिया, अब इस बार ना सही पर लद्दाख हम वापस जरूर आएंगे।